इस्लामिक प्रोसेशन के हमरा प्राइम मिनिस्टर एजेके सरदार अब्दुल कयूम नियाजी के साथ शामिल है। ملك
प्रिंसिपल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद प्रोफेसर डॉक्टर मुलाजिम हुसैन बुखारी स्पासनामा पेश करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। मोहतरम डॉक्टर आरिफ रहमान अलवी साहब सदर इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान। मोहतरम सुल्तान महमूद चौधरी साहब सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर। मोहतरम सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर। मोहतरम चीफ सेक्रेटरी साहब मोहतरम इंस्पेक्टर जनरल आज़ाद जम्मू कश्मीर। मुअस्सिस वज़राए कराम आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर। मुअस्सिस मेहमान करामी अज़ीज़ तलबा व तालिबात व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद के इस तीसरे कन्वोकेशन ने मुअज़्ज़ज़ शुरका और मुअज़्ज़ज़ मंदूबीन को खुश आमदीद कहना मेरे लिए वाकई बड़े एज़ाज़ और ख़ुशी की बात है। मैं मोहतरम डॉक्टर आरिफ रहमान अलवी साहब सदर इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान का खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और इस पुरवकार मौका पर मेहमान खसूसी की हैसियत से अपना कीमती वक्त हमें अनायत फरमाया। काबिल एहतराम मेहमान खसूसी
आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद 2011 के दौरान हुकूमत पाकिस्तान के PSDP मंसूबे के तौर पर वजूद में आया। ये मंसूबा तकमील के बिल्कुल करीब है। मैं इस मंसूबे की तेज़ी से तकमील के लिए मुख्तस मालिया की बजट में इजाफा करने पर हुकूमत पाकिस्तान का मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ये इस साल ये पाया तकमील को पहुँचेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज की खसूसियत है सर कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में पब्लिक सेक्टर का ये पहला मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे एक नया और जदीद मजबूत स्पायरल मॉडुलर निज़ाम तालीम तैयार करके अपनाया गया और ये पिछली एक तिहाई से सर नतीजा खेज चल रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद में इस करिकुलम की कामयाबी के बाद पूरे पाकिस्तान के निजी और मेडिकल दूसरे पब्लिक सेक्टर में मेडिकल कॉलेजों में इसको अपनाया जा रहा है। हमारे कॉलेज के तलबा और तलबा अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान में गैर मामूली नतायज दे रहे हैं सर, बल्कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन NLE और मुल्क की दीगर यूनिवर्सिटियों में पोस्ट ग्रेजुएट के इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं सर। और सर मुल्क बरतानिया अमेरिका और दीगर ममालिक के अंदर जो हैं उनमें स्पेशलाइजेशन के लिए क्वालिफाई करके वहाँ पे जेर तरबियत हैं सर। हम जब से मैं आया हूँ एक साल में हमने अलाइड हेल्थ साइंसेस के साथ साथ CHP का प्रोग्राम भी शुरू कराया खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के सीएच से, उनके वास्ते मौजूद हैं सर, शुक्रिया सर। और सर हम इस तरह के दूसरे कामों के लिए भी सरगर्म अमल हैं सर। कॉलेज एक जदीद और वसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और जदीद तरीन टेली मेडिसन का सर डिपार्टमेंट के क्याम में अमल लाने के लिए कोशिश कर रहा है, जो रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपनी नौयत का पहला इदारा होगा सर। सर इज़्ज़त मआब सदर इस्लामी जमहूरिया, इज़्ज़त मआब सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, इज़्ज़त मआब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर। सर रियासत जम्मू कश्मीर में 3 मेडिकल कॉलेजेज हैं और तालीमी क्लासेज में 1500 स्टूडेंट सर। इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने एडमिशन किया, इसका हमने खुद अपना पोर्टल बनाया और बड़ा कामयाब रहा, पूरे मुल्क में बड़ा पॉपुलर हुआ। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ इल्हाक है और रियासत के दूर दराज इलाकों में आने वाले तलबा को यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत करने में ना सिर्फ जावेद अकरम साहब बहुत ही मेहरबान शख्सियत हैं, लेकिन फासले की वजह से सर कुछ हमारे दस्तावेज और इस तरह में मुश्किल पैदा होते हैं, क्योंकि इस वक्त 80% से ज़्यादा फीमेल हैं और उनको इससे ज़्यादा मुश्किल का सामना होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में सर अगर रिफ्रेशर कोर्स से दूसरी चीज़ें हों तो उसके लिए भी एक वक्त होता है जो यहाँ के बच्चों को बहुत मुश्किल होता है। यहाँ मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर मजफ्फर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है सर, तो मेरी गुजारिश ये होगी कि सर अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद को मेडिकल कॉलेज का हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया जाए तो यहाँ मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने नौयत की एक वाहिद यूनिवर्सिटी होगी जो इस तरह की करिकुलम पढ़ाएगी और अपना अहम किरदार अदा करेगी कि बच्चों की तरबियत के लिए। यहाँ रियासत के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मेडिकल यूनिवर्सिटी के क़ायम होने से तलबा के मुश्किलात में कमी आएगी, फैकल्टी को पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू करने की मदद मिलेगी, तलबा डॉक्टर्स और खुद फैकल्टी के दरमियान सर रिसर्च, जैसे कि आपकी हुकूमत ने मुख्तलिफ जगहों पर रिसर्च कल्चर को फ़रोग देने में मदद मिलेगी सर। आखिर में इससे पहले कि मैं इख्तिताम करूँ, मैं तलबा को उनकी तालीमी ज़िंदगी का एक अहम संग मील हासिल करने पर उनकी मुबारक उनके वालिदैन को और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और तलबा को उनके रोशन मुस्तकबिल और खुशहाल ज़िंदगी के लिए दुआ करूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इश्क आज़ाद कश्मीर पाइंदाबाद। अब मैं गुजारिश करूंगी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी इल्मी बसीरत से हाजरीन कराम को मुनव्वर करें। आपको पाकिस्तान का हाईएस्ट इंपैक्ट फैक्टर रखने वाले डॉक्टर का एजाज हासिल है जो कि 93 है सर, प्लीज। जनाब इज्जत मआब
सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ रहमान एलवी साहब, सदर आज़ाद कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार अब्दुल क्यूम न्याजी साहब, बहुत सारे काबीना के अरकान पे बैठे हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ बैठे हैं, दोस्त हैं, वाइस चांसलर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ज़ियाउल हक साहब, प्रिंसिपल आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर मुलाजम हुसैन बुखारी साहब, फैकल्टी मेंबर्स, बहुत सारे मीडिया के अफरान मौजूद हैं, सबसे बढ़ के जिनके लिए ये महफिल सजाई गई हमारे पहले स्टूडेंट्स और उनके वालदैन जो आज इनकी सपोर्ट करने आए हैं, मौजूद खवातीन हजरात, मेरे लिए ये इंतहाई फ़ख्र का मुकाम है कि मैं एक ऐसे फुल हाउस से बात करने का मौका मिला जो जहाँ पे सदर पाकिस्तान और तमाम लीडरशिप कश्मीर की मौजूद है। कश्मीर को हम अपनी शहरक कहते हैं और मेरा ख्याल है कि शहरक से भी ज़्यादा कश्मीर और पाकिस्तान एक दिल एक जान में, और मैं इनको ये इनसेपरेबल हैं और मैं समझता हूँ इनको कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और कश्मीर मेडिकल कॉलेजेस के तमाम मेडिकल कॉलेजेस का सफ़र तकरीबन 4 माह पे मुहित है। जब मुश्किल पेश आ रही थी इन मेडिकल कॉलेजेस को, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पास तशरीफ लाए और उन्होंने रिक्वेस्ट की और हमने लबैक कहा, क्योंकि कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस हमारी प्रायोरिटी हैं और वो रहेंगे और उसकी बहुत बेइंतहा वजूहत हैं, क्योंकि कश्मीर हम समझते हैं कि हमारी, जब कहते हैं कि एक जान है और हमारी शहरक है, तो शहरक के बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं, तो पाकिस्तान भी मुमकिन नहीं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत खसूसी अहमियत है कश्मीर की। जब कश्मीर का अनफॉर्चुनेटली स्टेटस चेंज कर दिया गया जमहूरी की परवरीत जो कि हम कई दहाइयों से देख रहे हैं, उसकी एक वर्स्ट फॉर्म देखी उसके बाद, तो बहुत सब लोग टीवी पे देख के और कर्फ्यू क्लॉक्स लगा रहे थे और इसको कंडेम कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 113 अपने डॉक्टर्स लिए बशमूल मेरे, और हम बे इंतहा मुश्किल के बाद इंडियन एम्बेसी पहुँचे, हाई कमिश्नर को मिले, ज़ाहिर वीज़ाज नहीं मिलने थे क्योंकि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के तौर पर, कहीं भी ज़ख्म आएंगे तो हमने मरहम रखने जाना है, ये हमारे मजहब का भी हिस्सा है, हम पे अल्लाह ताला ने जो हमें एक अहलियत दी है उसका भी ये हिस्सा है। तो हम उसके बाद मुजफ्फराबाद में हमने पड़ाव किया और बहुत कोशिश की, यहाँ पे हमने बहुत प्रोटेस्ट किए जो यूएन का ऑफिस है वहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली हम बेइंतहा मुश्किल के बाद सड़कों पर सो के अल्हम्दुलिल्लाह चकोटी पहुँचे और वहाँ हमने 3 माह हॉस्पिटल कायम किया था उन लोगों के लिए जो बहुत अच्छी और बहुत सारे हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ बैठे हैं उनको उस वक्त पता है कि हमें किस मुश्किल का सामना था, और हम वो कहने का मकसद ये है कि हमारा दिल रोता है और खून के आंसू रोता है, हर पाकिस्तानी का रोता है जब कश्मीर की बात होती है, और कश्मीर को जख्म लगता है तो हम सब उसकी दर्द महसूस करते हैं। और इसलिए कश्मीर, अगर जैसे मुलाजम हुसैन बुखारी साहब ने अभी कहा कि उनको मुश्किल हैं, तो मैं तो उस मुश्किल का एक ही दावा कर सकता हूं कि आज मैं ऐलान करता हूं कि मुजफ्फराबाद में और मीरपुर में दोनों जगह हमारे ऑफिस खुलेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, ताकि ये आपका मामला आपको ख़त्म हो और आपको हम फैसिलिटेट कर सकें। उसके अलावा जहाँ तक कश्मीर, यहाँ पे हेल्थ यूनिवर्सिटी का क़याम है, वो तो ज़ाहिर है एक PC1 बनेगा, HEC में जाएगा और हम उसे फुली सपोर्ट करेंगे, अपने छोटा भाई समझ के इस यूनिवर्सिटी को, इंशाल्लाह उसमें जो कुछ भी हम कर सकेंगे वो करेंगे। मैं तालबात और तालब इलम को, ज़ाहिर तालबात बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह, और लेकिन उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी ने आपको इम्तहान लिया और आपको अहल समझा और आज डिग्री से नवाजा जाएगा डिस्टिंक्शन से और मेडल से, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्तहान आपका अब है, जब आपने इन हॉस्पिटल में जाना है, चाहे वो अब्बास इंस्टीट्यूट है, चाहे वो CMH है, और वहाँ हर मरीज़ और उसके दवाकीन ने आपका इम्तहान लेना है,
और वो आपको पास करें वो ज़्यादा बड़ा इम्तहान है, और अल्लाह करे कि आप उस इम्तहान में पास हो के दुआएँ ही दुआएँ समेटते रहें, और उसका अल्लाह करे कि उससे आप अपने कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का और UHS का नाम भी बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। उसके अलावा दुआएँ समेटेंगे अपने लिए, अपने वालदैन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। हम ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन है जिससे आप गुजर रहे हैं। आज आप UHS के एलुमनाई बन जाएंगे। हम हमेशा, मेरे 3-4 मुल्कों में मैंने मेडिसिन पढ़ाई है, और निचोड़ उसका ये है कि कभी भी आप अच्छा डॉक्टर नहीं बना सकते जब तक अच्छे इंसान नहीं बनाते। और अच्छे इंसान की एक खसूसियत ये है कि वो अपॉर्चुनिटी देखता है हजरत अली के कॉल के मुताबिक कि किस तरीके से आप रीपे कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूट को या उस इंसान को जिसने आपको एम्पावर किया। तो ये वक्त है गिव बैक करने का, और गिव बैक करने का मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा तरीका कोई नहीं होगा कि आप दुआएं अपने लिए और हमारे लिए समेटें मरीजों की खिदमत करने के लिए। हम पार्टनर्स हैं मिजरी में, जहर है दुख में, हमारे पास लोग खुशी से नहीं आते, एक्सेप्ट हमारी बहनें जो ऑब्स्टेट्रिक्स के देती हैं, वो जब बच्चा पैदा करते हैं तो सेलिब्रेट होता है। हम तो एज ए फिजिशियन किसी को स्ट्रोक, किसी को हार्ट अटैक, किसी का मरना, ये हम कोई भी नहीं होते ज़िंदगी को बचाने वाले, ना हम दर्द कम करने वाले, वो तो अल्लाह ताला का काम है। ये हमारा एक अल्लाह पे बहुत बड़ा कर्म है, वो हमें इस्तेमाल करता है। और लोग चाहे मर भी जाएँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो जनाजे पर और गुलों पर आपके बारे में क्या कहा जा रहा है। आई होप कि वो दवाएं आप समेट रहे होंगे। मैं सिर्फ आखिर में यही कहूँगा कि हम बहुत सारे बच्चे जो हमारे हेल्थ कश्मीर से आते हैं, उनको मैं खुद वाघा बॉर्डर बहुत दफ़ा लेने जाता हूँ, और वो हमारे माथे का झूमर है, और उनको हम बिल्कुल इसी तरह ही पढ़ाते हैं और इसी तरह उनकी देखभाल करते हैं जैसे उनकी माँ बाप करते हैं, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। जिस बर्बरियत से वो गुजर रहे हैं, जिस मोदी के जुल्म वो सह रहे हैं और उनकी फैमिली सह रही हैं, उनकी एक एक्स्ट्रा पोजीशन है कि वो डॉक्टर बने, और अल्लाह करे ये कश्मीर आज़ाद हो, जो हमारा, मेरा और 22 करोड़ पाकिस्तानी का है, तो उस वक्त वो वहाँ जाके प्रैक्टिस करें, उनके ज़ख्मों पे वो खुद मदावा रखें। उस वक्त तक ज़रा सा एक ज़ख्म भी अगर श्रीनगर में किसी को आता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली रोज़ कई ज़ख्म आ रहे हैं, हमारा दिल रोता है, खून के आंसू रोता है और रोता रहेगा। आखिर में मैं इज़्ज़त मार डॉक्टर आरएफ अलवी साहब, जो कि खुद एक डेंटिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, ऑर्थोडॉन्टिस्ट हैं, पूरी दुनिया के माने हुए ऑर्थोडॉन्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, उनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि वो आज इन बच्चों के वालदैन की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं कि इतनी बड़े लोग, तमाम फुल बोर्ड, फुल लीडरशिप कश्मीर की और पाकिस्तान की यहाँ मौजूद है, आपको डिग्रियों से और मेडल से नवाज दें। ये आपको बहुत मुबारक हो और आपको बहुत शुक्रिया सर। क्राइसिस लाहौर डॉक्टर असद जहीर से कि वो तकरीब की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। डॉक्टर असद जहीर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से दरख्वास्त करता हूँ कि वो पोडियम पे आए। मैं जनाब वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद के तलबा को MBBS की सनद अता करें। उम्मीदवारों को पेश किया जाए। MBBS के तमाम उम्मीदवार बराए मेहरबानी अपनी नशस्तों पर खड़े हो जाए। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी की सनद के लिए कबूल करता हूं, और इसके तहत ये सनद आपको पेश करता हूं, और आपको इस बात की इजाज़त देता हूं कि इस डिग्री की निशानी के तौर पे अता की हुई पोशाक ज़ेब तन करें। तमाम ग्रेजुएट्स अपनी नशस्तों पर तशरीफ रखें। मैं उन उम्मीदवारों को जो आज किसी मजबूरी की वजह से यहाँ नहीं हैं, उनको इन एब्सटेंशिया डिग्री में एडमिट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हलफ लें, द
तमाम ग्रेजुएट्स मेहरबानी फरमाकर अपनी नशस्तों पर खड़े हो जाएं और हलफ बरदारी के लिए दाहिना हाथ ऊपर उठाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हलफ सिर्फ लेने के लिए कागज़ नहीं है, ये आपके सीनों में उतरेगा। और मैं माँ बाप से भी गुजारिश करता हूं, क्योंकि बच्चियाँ ज़्यादा हलफ ले रही हैं, ये भी हलफ दें कि वो इनको डॉक्टरी करने देंगे और इनके खामद और इनके सुसर की अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ 21% लड़कियाँ काम करती हैं और ये बहुत ही बड़ा लॉस है कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए। और इसकी वजह यही है, कहा जाता है कि ये बैंक चला जाता है मियाँ तो सुसर कहता है या सास कहती है कि ये भी चली जाएगी तो बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। हालांकि हमारी स्टडी हुई हुई है जो UHS ने की है 18,000 फैमिलीज़ की, कि वर्किंग वुमेन की ज़्यादा बेहतर परवरिश कर सकती है बच्चों की और पढ़ाई भी ज़्यादा बेहतर। तो इसलिए ये परसेप्शन डिस्पेल होना चाहिए और मेरा ख्याल है बेहतरीन हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के होंगे जो इसको डिस्पेल करा सकेंगे, ताकि ये बच्चियाँ कम से कम 90% काम करें। इन्होंने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत दवाएं की हैं, आपने पैसा लगाया है, इनको खुदारा डिप्रेशन का शिकार ना होने दें, फलने फूलने दें और इनको पढ़ने दीजिएगा, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करें या काम करें। अपना दायां हाथ ऊपर कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्के दिल से अहद करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी शोबाए तिब के लिए वक्फ करूँगा, मैं अपने पेशे वराना फ़राइज ईमानदारी और लगन से सर अंजाम दूँगा, मैं अपने तिब्बी फ़राइज की अंजाम दही में किसी किस्म के तअस्सुब को आड़े नहीं आने दूँगा, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि शोबाए तिब की नेकनामी अल्लाह मेरे हामी और नासिर हो। आमीन। कांग्रेचुलेशन। बहुत शुक्रिया। मैं जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुल्तमिस हूँ कि कन्वोकेशन के शुरुआत से खिताब फरमाएं। नहमदुन सल्लल्लाहु सल्लेल करीम अहमाबाद फौज बिल्ला शहीदानजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस पर वकार तकरीब के मेहमान ने खसूसी इज्जत मात जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बैरिस्टर सरदार महमूद चौधरी साहब सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर, वज़रा साहिबान हुकूमत आज़ाद कश्मीर, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर, सेक्रेटरी साहिबान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी साहब IG पुलिस, प्रोफेसर डॉक्टर मुलाजम हसैन बुखारी साहब प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद, ख्वातीन हजरात तुलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम। ये जब डॉक्टर साहब हलफ ले रहे थे तो इधर से ये आवाज आ रही थी जनाब सदर कि मैं हलफ दे रहा हूं, तो उधर से आवाज आ रही थी कि मैं हलफ दे रही हूं। पता चला, मैंने दरियाफ्त किया ये तजाद क्यों है, तो मैं अपने खवातीन तालबात जो मेडिकल की स्टूडेंट फारग तहसील हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस शोबे में मेहनत की है, आप वालदैन और ख़ानदान का मान है। और मैं बच्चों के लिए भी कहता हूँ कि वो भी यही प्रोग्रेस दें जिस तरफ मेरा इशारा है।
आज़ाद कश्मीर मेडिकल कॉलेज के इस तीसरे कन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत मेरे लिए एजाज की बात है। मैं इस पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद की इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अपनी गुणों को मसरूफियात के बावजूद जनाब सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आमन तकरीब होना उनकी इलम दोस्ती का मज़र और इस खिता से उनकी बेलोस वाबस्तगी का इजहार है। उन्हें आज़ाद कश्मीर तशरीफ लाने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद के बेहतरीन तालीमी मयार और यहाँ से फारग तहसील डॉक्टर्स के प्रोफेशनल मयार से बखूबी आगाह। इस अदारा से तालीम हासिल करने वाले डॉक्टर्स इस रियासत और मुल्क के पाकिस्तान में अपनी बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टरी का पेशा जहाँ इंसानी मसीहा है वहाँ काफ़ी डिमांडिंग भी है। मुझे उम्मीद है कि ये डॉक्टर्स अपनी कौम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आजाद कश्मीर जुग्राफियाई एतबार से मुश्किल खिता है, कमोबेश कम वसायल की बिना पर शोबे सेहत में काफी बेहतरी की गुंजाइश है। आज़ाद कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस के क्याम के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के फराह दिलाना तावन में शुक्रगुजार है। यह हमारे बेहतर कल की तरफ एक शानदार कदम है। मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद एक शानदार इदारा है, तमाम मेडिकल के कुछ डिसिप्लिन्स ऐसे हैं जिनमें अभी तालीम शुरू नहीं की जा सकी। मुझे उम्मीद है कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज इन एरियाज में भी फौरी तालीम की शुरुआत करेगी ताकि रियासती अफराद को मेडिकल चेकअप के लिए बड़े शहरों का रुख ना करना पड़े। मैं जनाब सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि इस इदारा को हेल्थ यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। डॉक्टर साहब, आप सिर्फ सदर पाकिस्तान ही नहीं, आप एक दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं और आप इसी शोभा से ताल्लुक रखते हैं। आपका जो कश्मीरियों से प्यार है, आपका यहाँ बार बार आना उस मोहब्बत का इजहार है, मजहर है कि आप और हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए हर जगह हर महाज पर कश्मीरियों के शाना बशाना है। और वजीर आजम पाकिस्तान का ये कहना कि मैं कश्मीरियों का सफीर हूँ, उस बार कश्मीरियों को बहुत सपोर्ट मिल रही है। इस बार हम कश्मीरी इस एक जुमले को कदर की निगाह से देखते हैं, वो इसलिए कि हमारे भाई वहाँ दुश्मन के पंजा इस्तबदाद में अपनी कर्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। और उन हमारे भाइयों बुजुर्गों बहनों बच्चियों की चीखों की आवाज़ सारत से हमें सुनाई देती है। अगर हम इस फिक्र को अपने जहन से निकाल देंगे, अपने एजेंडे से निकाल देंगे, तो फिर जब शारक पर किसी का हाथ आ गया तो आप सब जानते हैं कि उस पार्टी की हैसियत क्या रह जाती है। हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए और इस तरफ तमाम पाकिस्तानियों को और आलम इस्लाम के उन भाइयों को जो हाल ही में OIC में उन्होंने बेपनाह कश्मीरियों से इजहार मोहब्बत किया करारदादों की शक्ल में और एक गठ करके एक बैठक में बैठ के
उन्होंने कश्मीरियों को के सारे इजारे यकते थी ये किया और भारत को जो पैगाम दिया कि भारत 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पर वापस आ रहा है। ये जनाब डॉक्टर अलवी साहब सदर पाकिस्तान आपको और पाकिस्तान की हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उम्मा को इकट्ठे करके उस जालम मोदी को ये पैगाम दिया। मैं कश्मीरियों के पाकिस्तान के शोभा सेहत में नुमायां किरदार अदा करेगा कि हमें जब इस सहूलत से जनाब सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से बसत एहतराम कश्मीर मुझे आजाद कश्मीर की तामीर और तरक्की हो और तुम्हें आज इन कश्मीरियों के लिए इस यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऐलान करके जाइए। यहाँ पे बड़ी प्रोग्रेस की है थोड़े अरसे में और स्पेशली इन्होंने जो इंटीग्रेटेड स्पाइरल मॉड्यूलर सिस्टम जो यहाँ पर अपनाया है वो एक मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम बात है और उसे वो मज़ीद बेहतरी करें ताकि बाकी के जो जो अदारे हैं वो उनकी तकलीफ कर सकें और इसमें बेहतरी आ सके। आज जिन तलबा व तालबात ने आज डिग्रीज हासिल की हैं यकीनी तौर पर ये उनके तालीमी कैरियर का एक सबसे बड़ा अहम दिन है और मैं उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके टीचर्स और प्रोफेसर्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने उनकी मेहनत से आज वो ये कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ पर कुछ साथियों ने कश्मीर पर भी बात की और ज़ाहिर है जब हम आज़ादी के बेस कैंप में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हमारी नज़रें मकबूजा कश्मीर की तरफ होती हैं कि ये जो आज़ादी का बेस कैंप है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं ये बुनियादी तौर पर तहरीकी आज़ादी कश्मीर को मनज़म करने और मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी फोरम पर उठाने के लिए बनाया गया था। आज इसीलिए यहाँ पर सदर है, वज़ीर आज़म है, हमारा आइन है, हमारा झंडा है, हमारा तराना है, हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, वो इसलिए है कि हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर को मनज़म करना है। जहाँ हम यहाँ से अपनी कोशिशें करते रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि यहाँ पर जिक्र किया गया 5 अगस्त 2019 के भारतीय इकदाम का जहाँ पर आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को एप्लीकेट किया गया और मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया गया और उसके बाद ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर को हड़प किया जाए। उस सिलसिले में वो वहाँ पर डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, 4.2 मिलियन फेक जो डेमोसाइल्स हैं वो उन्होंने जारी कर दिए हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर जो वो लैंड है उसको ग्रैब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज हम यहाँ से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सदर पाकिस्तान की मौजूदगी में हम मकबूजा कश्मीर के अवाम को सलाम पेश करते हैं जो भारत की 9 लाख फौज से बरसर पेकार हैं। आए रोज़ वहाँ पर शहादतें भी हो रही हैं, कुर्बानियाँ भी दी जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत अपने तोप व तफंग से मकबूजा कश्मीर के जो जज्बात हैं जो उनका वहाँ पर हमारे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हैं उनके जज्बे हुर्रियत को वो दबा नहीं सका और आए रोज़ वो तहरीक ज़्यादा मनज़म हो रही है और ज़्यादा कामयाबी से आगे बढ़ रही है। इसी तरह पूरी दुनिया भी अब उनकी तवज्जो कश्मीर पर लग चुकी है और वहाँ पे यहाँ पर OIC का भी जिक्र किया गया और मैं OIC का इतना शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 1.5 करोड़ कश्मीरी अवाम की तरफ से वहाँ के जो खुदराए खाजा की कॉन्फ्रेंस थी
उसमें नुमाइंदगी दी कि मैं कश्मीर का केस प्लीड कर सकूं, और उसके बाद उन्होंने वहां पर करारदाद भी पास की, और उसके बाद उन्होंने मुझे अब ओआईसी के जो हेडक्वार्टर है जद्दा में उसकी भी इनविटेशन दे दी है कि मैं वहां भी जाके कश्मीरियों की नुमाइंदगी कर सकूं। तो इसलिए ओआईसी, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, हर जगह वहां पे अब दुनिया की हमायत हासिल हो रही है। वहां के जो मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि अब इंटरनेशनली चाहे वो अमेरिका हो, कैनेडा हो, यूरोप हो, रशिया हो, फार ईस्ट हो, मिडल ईस्ट हो, वहाँ का अब जो पब्लिक ओपिनियन है वो कश्मीरियों के हक में आ चुका है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आज़ादी की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, दुनिया की हमायत हमें हासिल हो रही है, और भारत न सिर्फ उसने मकबूजा कश्मीर में जोन वन पर बरियत किया बल्कि उसने जो खुद भारत में जो वहाँ के मुसलमान हैं, जो वहाँ के सिख हैं, जो वहाँ के क्रिश्चियंस हैं, जो वहाँ के अनटचेबल्स हैं, जो वहाँ के गोरखाज हैं, असामीज हैं, सब पर जुल्म और बर्बरियत का रहा है। और दुनिया भारत का एक ज़माने में कहा करते थे ये नेहरू और गांधी का आइडिया है, ये सेकुलर स्टेट है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, लेकिन अब वो मोदी ने भारत को एक्सपोज कर दिया है, और वो समझ गए, और जो नज़रिया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का दिया था, वहाँ के जो वाकयात उन्होंने साबित कर दिया कि उनका नज़रिया दुरुस्त था, और पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए पर जो बना था वो एक बहुत बड़ी वो मैं शब्दों की शरफ थी, और शायद पाकिस्तान वाइल एक मुल्क है जो मज़हब की बुनियाद पर इस तरह बना। तो मैं दो तीन बातें जहाँ पर वो की गई, एक तो ये कहा गया कि शायद डॉक्टर्स कुछ हाजिरी से कमज़ोर है, तो मैं समझता हूँ कि हाजिरी से भी उनको पूरी करनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, और वो न सिर्फ अपनी हाजिरी बल्कि अगर वक्त बचे तो अपने आबाई इलाकों में भी वो वहाँ पर तवज्जो दें, वहाँ पर अगर वो ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ चूँकि वो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और वो एक मसीहा के तौर पर वो निकल रहे हैं, तो वह अपने आबाई इलाकों में भी थोड़ी बहुत तवज्जो दें। वो कहते हैं कि चैरिटी बिगन्स एट होम, तो आप वहाँ पर भी देखें कि क्या क्या लोगों की जो मुश्किल हैं उनको आप वो देख सकें। यहाँ पर वो डिमांड की गई कि यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, हमारे आज़ाद कश्मीर में तीन मेडिकल कॉलेजेस हैं, और ज़ाहिर है जब हम यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे तो तीनों कॉलेजेस को मिला कर देंगे, और मुझे ये सआदत हासिल है कि मैं जब वज़ीरे आज़म था आज से 20 साल पहले, तो मैंने पहला मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनाया था, क्योंकि मेरी ये तवज्जो रहती थी कि हम जितने भी वो तबका के लोग हैं उनको हम अकोमोडेट करें, और पहला कॉलेज वो मैंने जो मेरी वो कैबिनेट थी उनमें मैंने कमेटी बनाई, उस वक्त के वज़ीर सेहत को मैंने वो इंचार्ज बनाया, और फिर हमने पहला मेडिकल कॉलेज मीरपुर में खोला। उसके बाद फिर ये हुआ अभी रावलाकोट जो है वहाँ मैं उस दिन गया तो पता चला कि वो मेडिकल कॉलेज के भी उस तरह बिल्डिंग ही नहीं है, वो एक वो टेक्निकल कॉलेज में वहाँ रावलाकोट में वो है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो होनी चाहिए, उसकी अहम ज़रूरत है। उसके लिए भी मैं वज़ीर आज़म साहब से बल्कि कहूँगा कि ये उनकी डिमांड है कि वो इस पर एक कमेटी बना के वो ये सारे मामलात का जायज़ा ले कि ये कैसे और किस तरह उसकी फिजिबिलिटी वो तैयार की जाए, और फिर हम वाइस चांसलर साहब से भी और सदर पाकिस्तान साहब से भी कहेंगे कि वो उसका बाज़ाब्ता ऐलान करें, ताकि वो उसकी अब वक्त की ज़रूरत है कि हमारे वहाँ पे अपने जो डॉक्टर साहबान हैं उनके लिए अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसका होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आखिर में एक मतलब फिर जनाब सदर पाकिस्तान का इनतहाई शुक्रगुजार हूँ कि वो आज इनतहाई मसरूफियात में, पर्सनली जानता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और हम इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो जो कुछ हो सका हमारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए करेंगे, और वो दीगर कश्मीर पर भी वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे पिछले वो महीने,
और उन्होंने जिस तरह आज़ाद कश्मीर असम्बली में और मोनोमेंट के प्रोग्राम में जिस तरह बड़ा वाजिया प्रोग्राम दिया था और बेशुमार प्रोपेगंडे हो रहे थे, उन्होंने एक ही फिक्रे में वो सब प्रोपेगंडे का जवाब दिए वो दे दिया था कि कोई माई का लाल मसला कश्मीर से पीछे नहीं आ सकता, पाकिस्तान में से हम सब कश्मीरियों के साथ हैं। और मेडिकल कॉलेज के कन्वोकेशन में शिरकत से आपने साबित कर दिया कि आप यहाँ के अदारों को भी मजबूत करना चाहते हैं। बहुत मेहरबान। मैं इल्तमास करती हूँ तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से कि वो इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ग्रेजुएट्स में एजाजी तमगाजात तकसीम करें। शी रिसीव्स गोल्ड मेडल फॉर फर्स्ट पोजीशन इन फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम, सिल्वर मेडल सेकंड पोजीशन सेकंड प्रोफेशनल एग्जाम, ब्रॉन्ज मेडल थर्ड पोजीशन थर्ड प्रोफेशनल एग्जाम, गोल्ड मेडल फर्स्ट पोजीशन final professional exam, and she has been declared best graduate for the year 2018. Dr. Hira Khalid, she received silver medal second position first professional exam, gold medal first position second professional exam. Dr. Hina Abbasi, she receives bronze medal third position first professional exam, silver medal second position second professional exam, bronze medal for third position in final professional exam, second position second professional exam, silver medal second position third professional exam, bronze medal third position fourth professional exam. Dr. Amna Tariq, bronze medal third position second professional exam, gold medal first position third professional exam. Dr. Safia Akhtar, gold medal first position fourth professional exam, silver medal second position final professional exam. And now the students for 2019 fourth batch. Dr. Mohammed Saad Majid, gold medal first position first professional exam, gold medal first position second professional exam, gold medal first position third professional exam, silver medal second position fourth professional exam, gold medal for best graduate year 2019. Dr. Risha Ahmed Awad, bronze medal third position first professional, bronze medal third position second professional, silver medal second position third professional, gold medal first position fourth professional, gold medal first position final professional. Dr. Manoor Naeem, silver medal second position for final professional. Dr. Barisha Itab, bronze medal third position fourth professional exam, bronze medal third position final professional. Year 2025 batch. Dr. Ikran and Qureshi, first position first professional gold medal, gold medal first position second professional exam, gold medal first position third professional exam, gold medal first position fourth professional exam, silver medal second position final professional exam, best graduate for year 2020. Dr. Abdul Rahman Qureshi, bronze medal third position first position professional exam, bronze medal third position third professional exam, gold medal first position final professional exam. Dr. Sidra Farooq, silver medal second position third professional exam, silver medal second position fourth professional exam. Dr. Salia Ejaz, bronze medal third position second professional exam, bronze medal third position fourth professional exam. Dr. Zareen Albert Bokar, silver medal for first professional exam. Dr. Mamuna Farid, silver medal second professional exam. Dr. Zainab Ehsan, bronze medal for final professional third position. तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इज्जत माब जनाब डॉक्टर मोहतरम सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब,
मोहतरम प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी साहब, प्रोफेसर जावेद अकरम साहब वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेस, मोहतरम सैयद मुलाजिम हुसैन बुखारी साहब प्रिंसिपल आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज, गुज़राए कराम कश्मीर मेडिकल कॉलेज के असातिज़ा, गवर्नमेंट के फंक्शनरी तालिब इल्मों, बहुत खुशी का दिन है आपके लिए, आपके वालदैन लेडीज एंड जेंटलमैन आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि कश्मीर में कभी भी कोई मौका मैं ऐसा नहीं जाने देना चाहता हूँ जिसके अंदर इस बात का इम्कान हो कि टेलीविज़न के ज़रिए कोई बात मेरे इंडियन ऑक्यूपाइड इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोगों तक हमारी बात पहुंचे। तो हम ये समझते हैं कि इस बात की बार बार हम याद दहानी कराते हैं दुनिया को कि ये मसला हल होना चाहिए, दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारे वादे 60-70 साल से हुए हुए हैं, और दुनिया की इस मुनासिबत से भी हम वाकिफ़ हैं कि बहुत सारे और इशूज़ को हल कर दिया जाता है और इस मामले को बालाए ताक रखा गया है। हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि आप सब की कोशिशों से, हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की कोशिशों से, इस्लामोफोबिया के हवाले से जो 15 मार्च अक्वामे मुत्तहिदा ने डिक्लेयर किया है उसकी बड़ी अहमियत है, और अहमियत इस वजह से है कि आजकल दुनिया के अंदर उसके बलबूते पर, सिर्फ आजकल नहीं माजी के अंदर जो जुल्म तशद्दुद मुसलमानों के ऊपर हुआ है उसके अंदर इस्लामोफोबिया की वजह से लोग अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सके और बड़े बड़े कताल हुए हैं इसको बुनियाद बनाकर। और हम ये भी जानते हैं कि जेनोसाइड के एतबार से, जेनोसाइड वॉच ने ये बात कही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान नफ़रत पैदा की जा रही है और हिंदुस्तान में जिस अंदाज से अपने माजी को मिटाकर, अपनी तारीख को मिटाकर नई तारीख रकम करना चाहते हैं, झूठी तारीख रकम करना चाहते हैं, उससे हमारे मुसलमान भाई वहाँ बेइंतहा प्रेशर में हैं। उसके बावजूद उस सारे माशरे के अंदर इस बात का इम्कान है, जैसे ये हमारी बच्चियां हैं कि एक बच्ची निकल कर फिर अल्लाह अकबर का और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाए, ये इस्लाम की ताकत है, कोई किसी को दबा नहीं सकता। सदियों यहूदियों को दबाने की कोशिश की गई और वो जब उन्होंने गासिबाना कब्जा फलस्तीन में किया तो गाजा के अंदर उन्होंने वही जो उनके साथ जुल्म होता था वही जुल्म उन्होंने मुसलमानों के ऊपर करना शुरू किया। तो ये इंसानियत के लिए एक बड़े धब्बे हैं कि वो हमदर्दी से चीज़ों को देखता नहीं है, जब उसके पास ताकत आती है तो वो जुल्म का ज़माना भूल जाता है, अंधा हो जाता है उस ताकत के अंदर, और जो मजलूम है वो उसके खिलाफ हमेशा जद्दोजहद करता रहता है। इस हवाले से हम ये समझते हैं कि हमारे जो भाई आज़ाद मकबूज़ा इलीगली ऑक्यूपाइड मकबूज़ा जम्मू कश्मीर है उनके में हैं, उनके साथ हम यकजहती का इजहार करें, और ये भी हम तय करते हैं, बार बार इरादा करते हैं पाकिस्तान की तरफ से कि ना हम कभी भूल देंगे इस बात को, और कश्मीर की आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी में ये आज़ादी देखेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद मैं समझता हूँ कि मैं मुबारकबाद देता हूँ असातिज़ा को, मैं मुबारकबाद देता हूँ तालिब इल्मों को और उनके वालदैन को कि एक कि आपने मेहनत की, इन्होंने पढ़ाया, वालदैन ने सपोर्ट किया। तो हमारे माशरे की जो खूबसूरतियाँ हैं उसको, उसका इआदा करना चाहता हूँ, इस वजह से करना चाहता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर शायद कुछ चीज़ें ज़िंदगी में याद रह जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका होता है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जो माँ बाप ने पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के कल्चर की जो खूबसूरती है वो हमारा ख़ानदान है,
वो हमारी मोहब्बतें हैं। और क्योंकि आज़ाद जम्मू और कश्मीर से एक बड़ी तादाद लोगों की दुनिया में गई है, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज कहलाते हैं, उनके उनकी जो तड़प है वापस आने की, उसके अंदर मज़हब तड़प नहीं है, क्योंकि मज़हब तो कहीं भी हो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मज़हब के अंदर तो कहा भी यही जाता है कि दूर दूर जाओ, हर जगह मज़हब फैलाओ, मगर जो तड़प है वो इस वजह से कि यहाँ बुज़ुर्गों की इज्जत, वो मोहब्बतें ख़ानदान की बाकी हैं, वो तड़प होती है जो लोग कहते हैं कि मैं पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर वापस जाऊँगा। तो लिहाजा जब आज आप ग्रेजुएट करें तो मैं समझता हूँ कि ज़ोरदार तालियां तो बजाएं कम से कम उन माँ बाप के। पैसा नहीं, पैसा तो हाथ की हाथ का मैल कहलाता है, सिर्फ पैसा नहीं, जो तरबियत के अंदर जो मेहनत की जाती है वो तो बहुत ही भारी होती है। आजकल दुनिया के अंदर तालीम पर तवज्जो रहती है, तरबियत के ऊपर कोई फिक्र नहीं करती। हमने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अच्छा काम किया कि इतने डॉक्टर प्रोड्यूस करे, इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए, बड़ी अच्छी तरबियत और अच्छे ख़ानदानों से वो निकले। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनको हम समो नहीं सकते थे तो बहुत सारे बाहर चले गए। तो ये बड़ा वेस्ट है नेचुरल रिसोर्स का, नेशनल रिसोर्स का। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि हुकूमत के पैसे खर्च होते हैं, माँ बाप के पैसे खर्च होते हैं, मेहनत होती है, मरीज अपने ऊपर आपके तजुर्बात भी करवाते हैं किसी हद तक। और ये सब असासा जब हमने तैयार कर लिया तो ये सब बाहर चले गए, तो हमारा तो बहुत नुकसान हुआ। लिहाजा आज मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल के साथ आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, महदूद वसाइल के साथ, तो ये मेहनत ज़ाया ना हो। अच्छा, लिहाजा मैं इस बात को, इल्म देखो, इल्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि दुनिया भर के, आज जो कोविड की वजह से ये पता चल गया कि इल्म जो है वो तो मौसलाती अंदाज से भी आप तक पहुँचेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं, बल्कि जब मैं भी बाहर गया पढ़ने के लिए, उस ज़माने में इल्म वहाँ से वासलाती एतबार से नहीं आता था, तो भी मुझे ये अंदाज़ा था कि यहाँ का इल्म और जहाँ ज़रूरत है नलका खोलने की उस इल्म का, जो रेगिस्तान है वहाँ पर जाकर अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मेरे हाथ में भी वो हुनर तेज़ी से आएगा और मेरा इल्म भी पुख्ता होगा। लिहाजा बड़े अरसे तक इस बात का वो कहना होता था कि नई टेक्निक, सर्जिकल टेक्निक्स जो है वो आदमी बाहर से सीख लेता है, मगर असल उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसकी प्रैक्टिस और हुनर जो है वो फिर पाकिस्तान में आकर उसको हासिल होता है। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप बाहर जाएं और यकीनन इल्म की खातिर बाहर जाना पड़े तो वापसी बेनताज ज़रूरी समझना, ये अमानत है कौम की आपके पास, इसमें ख्यानत नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि रोज़ी की खातिर आप जाएं, मगर रोज़ी ही यकीनन, बग़ैर रोज़ी के तो मैं किसी को वापस दावत भी नहीं दूंगा, मगर रोज़ी ही नहीं बल्कि आपका ख़ानदान भी बड़ी अहमियत रखता है। फिर जो आपने यहाँ सीखा, आपसे जिस वजह से ज़्यादा मुखातिब हूँ, क्योंकि यही पैगाम आपके ज़रिए दूसरों को दे सकता हूँ कि आपने जो यहाँ पर सीखा, जिस हमदर्दी के साथ आपने ये इल्म हासिल किया, तो वो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ज़िंदगी वक्फ कर दो इंसानी खिदमत पर, तो वो भी ज़्यादती होगी। क्यों? क्योंकि आपने रोज़ी भी कमानी है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि रोज़ी के साथ साथ ये कैफियत चलनी चाहिए जिसके अंदर आप सिर्फ एक जज्बा अपने दिल में जगाए रखें और वो है हमदर्दी। क्योंकि बाकी मैं इंजीनियर से अगर हमदर्दी का तसव्वुर करता हूँ तो सिर्फ उसके ख़ानदान तक और माशरे तक कह सकता हूँ, मगर आपका पेशा तो ऐसा है कि हमदर्दी का अगर मैं तसव्वुर करता हूँ तो आपका हर इंटरेक्शन इंसानों के साथ हमदर्दी डिमांड करता है। और अगर आपको ये मालूम नहीं है तो दुनिया में बड़ी रिसर्च हो चुकी है इस बात पर कि अगर मरीज़ को दवा दी जाए, शिफा का कॉन्सेप्ट पागल इस्लाम के अंदर क्या है और हमारे माशरे में क्या है उसको समझें, अगर और दुनिया में अब रिसर्च होकर इसको पुख्ता कर दिया गया। जब मैं छोटा था तो मेरी वालदा कहती थी कि जी फलाने डॉक्टर के हाथ में शिफा है, फलाने के हाथ में नहीं है, ये कम है। दवाइयाँ तो एक सी हैं माशरे में, फ़र्क क्या है?
अच्छा फर्क ये सोच ले और समझ ले, बड़ा अहम बात आपसे कर रहा हूँ कि अब तो स्टडीज, स्टेटिस्टिकल स्टडीज हो चुकी है इस बात पर कि एक मरीज को दवा दी जाए, एक मरीज को प्लेसिबो दिया जाए। प्लेसिबो डॉक्टर हजरात तो समझ जाएंगे, प्लेसिबो उसको कहते हैं कि दवा जैसी गोली मगर दवा नहीं, सिर्फ इसको उसको ये कहा जाए कि तुम्हें कोई दवा दी जा रही है, दवा नहीं है मतलब। और एक हमदर्दी, तीन चीज़ों के एतबार से ये स्टडीड कैफियत है कि जिस चीज़ के अंदर चाहे आप प्लेसिबो के अंदर हमदर्दी डालें, चाहे आप बगैर दवा के भी हमदर्दी करें, तो इलाज जो इलाज इंसान अपने बदन की ताकत से करता है वो 15-20% बेहतर हो गया। तो लिहाजा हमदर्दी आपका एक टूल भी है और हमदर्दी एक सवाब का जरिया भी है। और हमदर्दी जो है वो ये हो नहीं सकता कि डॉक्टर माशरे के अंदर हमदर्दाना सोच ना रखे। और ये मत समझिए कि है, मैं अपनी जिंदगी के बहुत सारे वाकयात आपको बता सकता हूँ जिसके अंदर डॉक्टर को मैंने हमदर्द नहीं पाया। तो लिहाजा इसका ताल्लुक तो इन माँ बाप के साथ है जिन्होंने आपकी तरबियत की है, इसका ताल्लुक उस तकलीफ से है जो आप अस्पतालों के अंदर देखेंगे। और आज ही का एक मजमून है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, डॉक्टर सीमा जीलानी पीडियाट्रिशियन आई प्रिज्यूम, उसने यही लिखा है कि जब मैं पीडियाट्रिक्स की आईसीयूज में हूँ तो मुझे रोज़ाना जितनी तकलीफ होती है, डॉक्टर इस बात की कोशिश करता है कि वो तकलीफ को बैकग्राउंड में कर दे और सिर्फ रूटीन्स के एतबार से मरीजों को देखे। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप हमदर्दी की दामन को कभी भी मत छोड़ना, ये इंसानियत का दामन है। इसके बगैर इंसान जालिम है, इसके बगैर दुनिया के अंदर आपने देख लिया कि ये जो आजकल का ज़माना है जिसमें मोरालिटी भी निकाल दी जाए तो वो जुर्म करने में कभी इंसान रुकता नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर, सिर्फ डॉक्टरी के पेशे के अंदर नहीं, अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर माशरे के साथ हमदर्दी रहेगी तो वो माशरा फिर इतना मजबूत होगा कि उस माशरे को कोई पीछे छोड़ नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ एक चीज़ जिसका यहाँ पे बड़ा जिक्र हुआ और वो ये है कि खवातीन पेशा छोड़ देती है। अच्छा, इसका ये पाकिस्तान इसका इस सिलसिले में बहस 40 साल से कर रहा है, 40 साल से बहस हो रही है, मगर इसका कोई सलूशन भी निकाला पाकिस्तानियों ने? तो आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड कि ऑल्टरनेट्स का जिक्र नहीं है। तो लिहाजा मैंने एक यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी और आपको भी मैं जिम्मेदारी देता हूँ कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव प्रपोजल्स आने चाहिए। भाई ये कैसे हो सकता है कि 80% लड़कियाँ हैं यहाँ माशाल्लाह और इसमें से 80% पेशे को छोड़ देती है? तो इट्स अ वेस्ट ऑफ नेशनल रिसोर्स। तो लिहाजा सिर्फ ये कहना, माँ बाप से अपील करना कि जी इनको पेशे के साथ आप करीब रखें, नॉट एनफ, क्योंकि ये अपील तो इस दिन 30-40 साल से कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, इसका हल कहाँ पर मिलेगा? अच्छा, दुनिया के अंदर ये कैफियत जरूर है कि औरत जब निकलती है तो औरत के साथ अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी भी डाली है बायोलॉजिकली कि वो बच्चे भी होंगे और शादी भी होगी और बच्चों की परवरिश का बुनियादी मानता की मोहब्बत जो है वो मगरब भी वो बाप की मोहब्बत से उसको ट्रांसलेट और तब्दील नहीं कर सकता, बाप की मोहब्बत भी ज़रूरी है। लिहाजा ये मसला दुनिया का है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक बात मुनासिब ये समझी कि कम से कम यूनिवर्सिटीज में दाखिले के वक्त से माँ बाप के साथ बैठकर इस चीज़ को गुफ्तगू में डालें, उनकी भी काउंसलिंग करें। मगर ये अपॉर्चुनिटीज़ तो ख्वातीन के लिए खुलनी चाहिए ना, क्या खुलनी चाहिए, ये क्यों काम करेगी, यानी इफ़ दे आर रेजिंग देयर चिल्ड्रन उसके बावजूद ये क्यों काम करेगी? तो लिहाजा मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर अब वो टूल्स मयसर हैं कि ये औरतें घर में रहकर भी खिदमत कर सकती हैं। कैसे? आपने टेलीमेडिसिन का जिक्र किया, इस बात का इम्कान है, लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि बहुत लोगों को मशवरों की ज़रूरत पड़ती है
और इस वक्त जूम के जरिए कैमरास के जरिए मरीज का हाल देखा जा सकता है, किसी डॉक्टर के साथ मशवरा हो सकता है, उसको गाइड किया जा सकता है, तो ये घर बैठे क्यों नहीं हो सकता। लिहाजा कुछ एप्स और कुछ स्टार्टअप्स शुरू भी हो गए हैं, मगर ये स्टार्टअप्स तो मार्केट में, मेडिकल कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग दीज वेरी इंटेलिजेंट वुमन एंड अलाउइंग देम टू गो टू वेस्ट एंड दे कंसीडर द मेडिकल कॉलेजेस प्रॉपर्ली कंसीडर कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। भाई कैसे नहीं है, माशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है, कोई चीज नलका खुला रह जाए, नलके का पानी वेस्ट हो तो मेरी जिम्मेदारी है। और ये कि इतना बड़ा इतना सारा इल्म दिया और सिर्फ इसलिए दिया, मिसाल के तौर पर बच्चों को तो नाम भी नहीं पता होगा, एक किताब होती थी जो हमारे वालदैन और के ज़माने में ख्वातीन को पढ़ाई जाती थी, वो थी भेष्टी देवर, तो पता भी नहीं होगा। अच्छा वो भेष्टी देवर होती है थी कि उसमें औरत ये शादी से पहले वो सीख ले कि घर कैसे खुश रह सकता है, उसके अंदर टूल्स भी दे, खाना भी अच्छा बनाओ, ये भी करो और खिदमत भी करो वगैरह वगैरह। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ अच्छी शादी के लिए कोई डिग्री की जरूरत थी तो वो मेडिकल डिग्री की तो नहीं थी। बट आई एम ग्लैड कि माशाल्लाह जब आप मेहनत करेंगे तो अच्छी शादियाँ भी होंगी, तो वो तो अच्छी बात है। मगर ये कि मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ अकोमोडेशन होना चाहिए आपके कॉलेजेस के अंदर, अस्पतालों के अंदर, कि अगर आपको टाइम आउट चाहिए तो उसको खूब बड़ा किया जाए फॉर चाइल्ड बर्थ एक्सेट्रा, अगर आपको टाइम आउट चाहिए फॉर रेजिंग फॉर चिल्ड्रन तो भी कुछ सम इन्वॉल्वमेंट विद टेलीमेडिसिन, सम इन्वॉल्वमेंट विद जूम, आपको वो एनकरेज कर इन्वॉल्वमेंट रखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको जनाब टास्क दे रहा हूँ इस बात का कि इसके ऊपर कोई मस्बत प्रपोजल्स आए जिनको फिर आगे बढ़ाया जाए, सिर्फ ये ड्राइंग रूम की गुफ्तगू से मामला चलेगा नहीं। अच्छा मैं दूसरी बात फिर आपसे कह रहा हूँ कि देखो एक्सेस दुनिया में, पाकिस्तान में डॉक्टरों की बड़ी सहूलत है आप जानते हैं, नर्सों की बड़ी सहूलत, नर्सें पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 लाख हैं, अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख नर्सों की जरूरत है। तो मुझे, मेरे पास एम्बेसडर आए जो बाहर जा रहे थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जी मैं कोशिश करूँगा कि नर्सों के लिए और इनके लिए वहाँ फलाने मुल्क के अंदर कोशिश करूँ कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान के अंदर नर्सेज के लिए बड़ी एम्प्लॉयमेंट है, खुदा के वास्ते ये कोशिश मत करो, कम से कम हम बनाते जाएं और बाहर भेजते जाएं तो हमारा क्या बनेगा। तो उसी हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस बात का पाकिस्तान में बड़ी सख्त जरूरत है। फिर कोई इश्यूज हैं आपके साथ, इश्यूज को जरा सा समझ तो ले क्या क्या इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर। जहाँ आपका फोकस चाहिए मुझे डॉक्टरों का, वो है ओवर पॉपुलेशन। कैन यू इमेजिन, this is something which has to be mentioned here. Overpopulation ke andar we have come to a figure ke out of 9 million pregnancies in a year, 50% of them are unwanted because access to contraceptives nahi ho saka. Acha, aur hum charcha kar rahe hain ki ji logon ko samjhaye ki bacche kam ho, khandan behtar hoga. अच्छा मैं तो कहता हूँ मार्केट तो तैयार है, अगर उनको कॉन्ट्रासेप्टिव हम पहुँचा दें तो द बर्थ रेट विल कम अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर प्लानिंग। तो लिहाजा दैट इज एन इशू विच नीड्स फोकस, कीप दैट इन माइंड। मैल न्यूट्रिशन ऑफ द वुमन, यार 30-40% औरतें मैल न्यूट्रिशन में हैं, तो प्रिवेंशन कौन करेगा, ये सिर्फ आप लोग इलाज करेंगे। भाई कोई रोकेगा भी तो नहीं इस बात को कि अस्पताल अगर खुल गया क्यूरेटिव मेडिसिन का तो बस ठीक है इलाज करेंगे। भाई बाहर भी तो जाकर कहो इस बात का एहतमाम करो कि न्यूट्रिशन अच्छा हो, प्रेग्नेंट वुमेन का न्यूट्रिशन अच्छा हो, मिसाल के तौर पर स्टंटिंग ना हो, बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा हो, ब्रेस्ट फीडिंग हो, जो कुरान जिसके मुताबिक कहता है कि 24 महीने या 30 महीने ब्रेस्ट फीड करो। WHO कहता है, सुन लें बड़े गौर से सुने, ये कुरान की बातें हैं, वी डोंट प्रैक्टिस देम। WHO कहता है कि नॉट इवन अ स्पूनफुल ऑफ वाटर शुड बी गिवन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स टू अ चाइल्ड, इतना जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग। और पाकिस्तान के अंदर हम मैल न्यूट्रिशन हो रही है, स्टंटिंग हो रहा है, इलाज करने के लिए हम माशाल्लाह आपको
आपको भी तैयार कर रहे हैं, मगर कुछ माशरे में निकलकर कुछ रोकथाम भी तो करें चीज़ों की। तहारत के एतबार से इतनी सारी बीमारियाँ होती हैं, आप जानते हैं बच्चों और जो यहाँ डॉक्टर्स हैं कि कम्युनिकेबल डिजीजेस तहारत की कमी से, हाथ साफ ना रहने की वजह से मिसाल के तौर पर भी होती हैं। तो वजू के अंदर तहारत, बहुत सारे एरियाज हैं। स्टंटिंग का मैंने आपसे जिक्र किया कि ब्रेस्ट फीडिंग इज अ मस्ट टू हैंडल दैट। ओबेसिटी और मैल न्यूट्रिशन साथ साथ चल रहा है। माशरे का जब हाल है, यानी जिनको मिल रहा है वो मोटे हो रहे और जिनको नहीं मिल रहा, और 30-40% आइदर वे, यानी जो दरमियाना रवी है वो 20-30% की है, बाकी जिनको मिल रहा है वो मोटे हो रहे हैं, डायबिटीज हो रहा है और बहुत सारी बीमारियां हैं, और जिनको नहीं मिल रहा वो पतले हैं और बीमार हैं मैल न्यूट्रिशन की वजह से। तो ये कौन किसको कहेगा? तो ये बातें मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी हम सब की और ख़ास तौर पर नए ग्रेजुएटिंग डॉक्टर्स की है। हेपेटाइटिस, आपको मालूम है हेपेटाइटिस का एक रीज़न इन्फेक्टेड नीडल्स रहा है, एंड पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा क्वांटम है हेपेटाइटिस का। आई फॉरगेट द फिगर, 9% to 10% पॉपुलेशन जो है वो हेपेटाइटिस का शिकार है, और उसका इलाज अगर आज पाकिस्तान करने जाए तो $3 अरब कम से कम एस्टिमेटेड है। तो लिहाजा स्टेरिलाइजेशन मिसाल के तौर पर, प्लस द फैक्ट मेरे पास एक अम्बेसडर आई एक वेस्टर्न कंट्री के, उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान को मदद करना चाहते हैं कि जो ओवर प्रेस्क्रिप्शन है दवाइयों का, एंटीबायोटिक्स का, उसमें कोई एहतियात शुरू हो। तो मैंने कहा तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि जी हम पैसा देंगे। हमने कहा हमें तो पैसा नहीं चाहिए, हमें तो इन लोगों को एजुकेट करना है कि ये जब निकले तो ये जो ओवर प्रेस्क्रिप्शन है दवाइयों का कि हर एक को जनाब वो लगना चाहिए, कोई ना कोई इंजेक्शन लगना चाहिए, ये तो माशरे के अंदर से शुरू होगा, रेजिस्टेंसेस पैदा हो रही। द मोस्ट ओवर प्रेस्क्राइब द नंबर ऑफ इंजेक्शन अ पाकिस्तानी इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम डॉक्टर्स इज मच मोर देन इन अदर कंट्रीज। तो वो मैं इस वजह से ये सारी बातें कर रहा हूँ कि इसके अलावा बहुत कम मिलेगा कि आपको इस हवाले से कुछ ना कुछ गाइडेंस हो। अच्छा, और फिर आखिर में मैं आपके सामने कुछ बात कर दूँ कि देखो मकसद क्या है। हमारी विरासत तो बहुत बड़ी है, आजकल एल्गोरिथम्स का बड़ा जिक्र है, तो एल्गोरिथम का नाम ही अल-ख्वारज़्मी के नाम से है। एल्गोरिथम उसी के नाम पर है जो आजकल आईटी के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम रखता है, उसी के नाम से अलजेबरा भी है। इब्ने सीना जो था वो फादर ऑफ मेडिसिन था, उसकी कानून कैनन ऑफ मेडिसिन किताबें जो है वो 15वीं-16वीं सदी तक चलती रही। तो हमारी विरासत बहुत बड़ी है, और हमारी विरासत हमदर्दी की बहुत बड़ी है। मुझे मैं समझता हूँ कि एक ज़माना था जब हकीमों को हकीम मरीज से पैसा नहीं लेते थे, मगर जो रोसा थे माशरे के वो ख्याल रखते थे कि गल्ले की कमी नहीं होती थी हकीम साहब के पास सब कुछ। अब जाहिर है अब आपकी मजबूरी है कि रोज़ी भी कमाना है उसके साथ साथ, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खूबसूरत चीज़ें जो हैं उसके अंदर जिस बात का मैंने जिक्र किया कि मरीज़ के साथ हमदर्दी जो है वो आपकी शिफा बढ़ाएगी, आपका ताल्लुक बेहतर करेगी, आपके दिल को सुकून पहुँचाएगी, और अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। तो लिहाजा आपका शुक्रिया इस बात का, आपके माँ बाप का शुक्रिया, उसातिज़ा का शुक्रिया। हाँ, एक बात कहना भूल जाऊँगा कि भाई वो इस बात की आपकी ख्वाहिश है कि एक आज़ाद जम्मू कश्मीर में हेल्थ यूनिवर्सिटी या मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रयाग होना चाहिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ ये आप इशू इसका फाइल चलाइए, क्योंकि फाइल तो चलाना पड़ेगा, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में फाइल जरूर चलता है। इसका फाइल चलाइए, PC1 बनाइए, बट दिस इज़ वेरी एसेंशियल कि जब आपके यहाँ 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं तो खुद अपने आप को और इनके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के साथ जो आपका ताल्लुक रहा है इसमें वो आपका स्टैंडर्ड जो है, नाउ यू आर अवेयर कि अपने स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करें। तो ये आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए आई विल डू एवरीथिंग इन माय पावर टू हेल्प यू। मैं गुजारिश करती हूँ एकेडमिक काउंसिल और फैकल्टी मेंबरान AJK मेडिकल कॉलेज से कि वो ग्रुप फोटो के लिए बाहर तशरीफ ले जाएं।
मैं जनाब वाइस चांसलर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इज़्ज़त मआब सदर पाकिस्तान, सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, वज़ीर के आवाज़ का ऐलान फरमाएँ और तमाम तलबा बैठे रहें, क्योंकि उसके बाद वाइस चांसलर ने आपको डिग्री देनी है फोटोग्राफी के बाद। बहुत शुक्रिया। मैं बतौर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इस जलसा इसनाद तकसीम इसनाद डिग्रीज की कॉन्वोकेशन का अहतमाम का ऐलान करता हूँ। डॉक्टर निदा शफीक, डॉक्टर नौशीन फियाज, डॉक्टर साफिया अख्तर, डॉक्टर समन गुलजार, डॉक्टर शफक बतूल, डॉक्टर शिगरफ शबीर, डॉक्टर सिद्रा सलीम क्यानी, डॉक्टर सितारा जबीन, डॉक्टर तहरीम हुमायूं, डॉक्टर ताज महल, डॉक्टर तैयबा सरफराज, डॉक्टर तैयबा जैन, डॉक्टर तैयबा जिया, डॉक्टर वजीहा अलूज, डॉक्टर नूरुल एन सबा, डॉक्टर हसीब फारूक, डॉक्टर हमजा फारूक, डॉक्टर खान मोहम्मद, डॉक्टर मोहम्मद अदील हाशमी, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद ऐवान, डॉक्टर मोहम्मद अली शाहिद, डॉक्टर राजा एहतिशामुल हक, डॉक्टर शऊर आफ्ताब, डॉक्टर सुबैयल मुश्ताक, डॉक्टर जीशान अहमद। नाउ बैच फोर्थ सेशन 2014 to 2019, डॉक्टर अब्दुल रहमान अकरम, डॉक्टर हमजा अजहर, डॉक्टर काशिफ गफूर अब्बासी, डॉक्टर मोहम्मद अजीम, डॉक्टर मोहम्मद साद माजिद, डॉक्टर मोहम्मद जयानुल इस्लाम, डॉक्टर मंसूर आफ्ताब, डॉक्टर राजा आमिर फारूक, डॉक्टर रिजवान शकूर, डॉक्टर शाहिद लतीफ, डॉक्टर तोकीर हुसैन, डॉक्टर तौसीफ अहमद, डॉक्टर उमर मकसूद, डॉक्टर उमर अयूब एंड डॉक्टर सकेल सयाद। डॉक्टर अमारा जिया, डॉक्टर अस्मा नसीम, डॉक्टर अजीजा किरण, डॉक्टर फाखरा वहाब, डॉक्टर फरसा बिनते अदीब, डॉक्टर फरियाल रशीद, डॉक्टर हाइका हसन, डॉक्टर हिरा करीम, डॉक्टर हिरा शफीक, डॉक्टर इकरा शौकत, डॉक्टर महनूर नईम, डॉक्टर मारिया मलिक, डॉक्टर नायाब जफर, डॉक्टर निगा अफराज, डॉक्टर निशा हामिद, डॉक्टर नूरुल एन, डॉक्टर कुरुदुल एन हैदर, डॉक्टर रिदा असलम, डॉक्टर रुमेजा,
डॉक्टर सबा असलम खान, डॉक्टर सिदरा बाबर, डॉक्टर सिदरा मकसूद, डॉक्टर सुंदस खालिद, डॉक्टर सैयदा फातिमा बतूल, डॉक्टर तंजीला खलील डार, डॉक्टर तैयबा हारून, डॉक्टर तहरीम महमूद, डॉक्टर ताहिरा रफीक, डॉक्टर वरीशा अल्ताफ, डॉक्टर जरमीना रुखसार, डॉक्टर जरनैन कयूम, डॉक्टर जरनाब नवीद, डॉक्टर जोया अब्बास कादरी एंड डॉक्टर इंशा अशफाक। डॉक्टर अब्दुल रहमान कुरैशी, डॉक्टर अब्दुल समद, डॉक्टर अंबर हफीज, डॉक्टर आमिना दलील, डॉक्टर अमारा फारूक, डॉक्टर अनम अब्दुल्ला, डॉक्टर अनम अजीम, डॉक्टर अनम फारूकी, डॉक्टर आयशा कसीम, डॉक्टर आयशा सना, डॉक्टर अजबा, डॉक्टर बशायर अब्बासी, डॉक्टर दुर नजफ, डॉक्टर ईशा जैन, डॉक्टर फरहीन अंजुम, डॉक्टर फिजा इखलाक, डॉक्टर हफ्सा अतीक, डॉक्टर हाजरा हाशमी, डॉक्टर हमदा बशीर, डॉक्टर हुदा अजीज, डॉक्टर इकरा मुश्ताक, डॉक्टर इकरा नैन कुरैशी, डॉक्टर खतीजा खुर्शीद, डॉक्टर अब्दुल मुईज, डॉक्टर अब्दुल एहसन अहमद, डॉक्टर अम्मार अहमद, डॉक्टर असद अली, डॉक्टर किरण रबानी, डॉक्टर महनूर सैयद, डॉक्टर मारिया बिलाल, मायरा बिलाल, डॉक्टर मारिया जिया, डॉक्टर मरियम शबीर, डॉक्टर मैमूना फरीद, डॉक्टर मिशाल रियाज, डॉक्टर मुईजा रजाक, डॉक्टर मोमिना असलम, डॉक्टर मोमिना अजीज, डॉक्टर नईमा हमीद, डॉक्टर नूर फातिमा, डॉक्टर कुदसिया लतीफ, डॉक्टर कुरतुल एंड फातिमा, डॉक्टर असद इम्तियाज, डॉक्टर हसन अली मीर, डॉक्टर हमजा नसीम, डॉक्टर जुनेद मसूद, डॉक्टर कामिल हसन। कश्मीर में बना हुआ है कश्मीरी खाना, तो बाजवान और सारा कुछ बना हुआ है, आप खा के जाइएगा। चलो बच्चों, आप भी खाना खाओ और अपने वालदैन के साथ फोटो में उतरवाओ, बात करो, यादें यादें बनाओ, क्योंकि बाद में बड़ी ज़रूरत पड़ेगी यादों। बहुत शुक्रिया।